सुबह सुबह पैसे। लो भाई कुछ पैसे और आगे। बहुत बढ़िया। और अंकल जी आप कहाँ से हो? हम भी हुई। नमस्ते यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम मोहित चौहान, मैं निकला हूँ भारत भ्रमण साइकिल यात्रा पर। मैं करने वाला हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज से मेरा डे वन स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़िया है, सुबह के 5:30 मैं उठ गया हूँ और अभी तक तो घर में सभी सो रखे हैं क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक यहाँ से निकलना है और आज मैं पहुँचना है दिल्ली जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। इन 75 दिनों में मैं टोटल 7,000 से लेकर 7,500 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाला हूँ। जितना हो सके अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, इस जर्नी में मेरी एक फैमिली का हिस्सा बने। तो भाई लोग, तुम्हारे भाई हो गए रेडी और मम्मी ने ना जाते वक्त कुछ पैसे दिए हैं कि तुम्हारे काम आएंगे। तो यार, फैमिली वाले और भाई यार दोस्त इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई इतना तो बनता है यार कि लेह लद्दाख कवर करने के बाद अब मैं जाऊँ कन्याकुमारी कवर करूँ फिर उसके बाद अपने घर, क्योंकि भाई सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और इस सफ़र में ना इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भाई, अपनी फैमिली सपोर्ट की और सबसे बड़ी बात अपने यार दोस्तों की। इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ना भाई, मन खुश हो रहा है और सबसे बड़ी बात मुझे किसी भी चीज़ की भाई दिक्कत नहीं आने दे रहे। अगर हाँ, एक बात और बता दूँ, अगर भाई मेरी साइकिल कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अगर मेरी चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है मेरे साथ, तो भाई तुम्हारा भाई पैदल कवर करेगा वहीं से ही, क्योंकि भाई एक बार ठान लिया ना तो भाई ठान लिया भाई पूरा करके ही आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, बात खत्म। हाँ, पूरा करने के बाद ही आऊँगा घर पे, पूरा करे बिना तो मैं घर पे भी पैर ना रखूँ। अपने घर से स्टार्ट कर दिया भाई मैंने, ये देखो तुम्हारा भाई छाप छोड़ता हुआ जाएगा हर जगह पे। तो भाई लोग अब चाय पीते हैं और उसके बाद मम्मी के हाथ की 2-4 रोटी खा के निकलते हैं, क्योंकि भाई 75 दिन तक अपनी माँ के हाथ की रोटी तो नसीब नहीं होने की, तो जितना हो सकता भाई अभी खा के चला जाऊँ फिर तो उसके बाद नसीब हो या ना हो। मजाक कर रहा हूँ क्योंकि भाई अब 75 दिन तक तो मैं वापस नहीं आने का घर पे, तो अभी खा के चला जाऊँ। थोड़ा सा मन भी कर रहा है कि सुबह के टाइम मुझे चाय के साथ रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, तो अब निकलते हैं। फिर उसके बाद जस्ट मेरे पीछे यहाँ से 300-400 मीटर पे हमारा शिव मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ से मंदिर से विदा लेने के बाद सीधा अपने गांव के अड्डे पे, फिर वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट। पापा भी आगे से ही आगे। ओहो, सुबह सुबह पैसे। लो भाई कुछ पैसे और आगे। मिलते हैं 75 दिन बाद, ठीक है? ओके बॉस, चल ठीक है, आराम से चला जा। जत्ते डॉक्टर के, चल ठीक है। अच्छा, तो भाई लोग इनसे विदा लेने के बाद अब चल दिया, अपना सफ़र हो गया है स्टार्ट अकेले, क्योंकि भाई इनका सफ़र यही तक था मेरे साथ, अब मुझे अकेले जाना है। थोड़ा सा इमोशनल तो हो गया मैं, पर भाई साहब दिखा नहीं सकते किसी को, अकेले चलना है भाई, ये सफ़र अपना अकेले ही तय करना है। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, 7,500 से 7,500 किलोमीटर। कहीं की तैयारी कर रहे SSC JD? बहुत बढ़िया। अब 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से दिल्ली, 30 या 35 के आसपास, और साइकिल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। साइकिल में क्या हुआ कि जो मेरा पैंडल है, एक पैंडल घूम नहीं रहा है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो अब उसे ठीक करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से।
दिक्कत है, अभी से ही स्टार्ट हो गया पहले दिन से ही। तो भाई लोग मैं फिलहाल आ गया हूँ लाल किले पे, और लाल किले पे मैं अभी आप पहुँच चुका हूँ, मतलब 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे मैं लाल किले पे आ गया। मैं सुबह 8:25 पे मैंने अपनी राइड स्टार्ट की थी और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो भाई यहाँ का नज़ारा नेक्स्ट लेवल है भाई, भाई शान से अपना झंडा लहरा रहा है, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। तो भाई लोग कहाँ कहाँ से हो? लाल किले के पास से, कोटा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और अंकल जी आप कहाँ से हो? हम भी एक जगह। अच्छा, एक जगह से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, लोग बहुत सारे मिले, मतलब इतना सारा प्यार मिला, मज़ा आ गया। दिल्ली में यहाँ पे आके तो मिला है सुकून सा, नहीं तो भाई दम घुट गया बिल्कुल। इतनी भीड़ है ना, और इतनी भाई क्या बताऊँ तुम्हें, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सुकून है। अब जा रहा हूँ मैं सीपी पे, कनॉट प्लेस। यहाँ से देखो भाई इंडिया गेट, वैसे वहाँ पे एंट्री नहीं है यार, नहीं तो साइकिल लेके वहाँ पे भी चला जाता, पर वहाँ पे एंट्री नहीं है। इंडिया इंडिया, और ये रही हमारी शेरनी इंडिया गेट के ठीक सामने। पता है कितनी मेहनत लग रही है साइकिल को उठा के और फिर चलना। आज भी 110 किलोमीटर प्लस मैंने साइकिलिंग कर दी है, अब 34 किलोमीटर और करनी है। 34 क्या, अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अभी मैं इंडिया गेट आ गया, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ से गुरुग्राम। तकरीबन आज 150 या 160 के आसपास मैं साइकिलिंग कर दूँगा आज। लो भाई लोग, मिल गया हमारा टिपू भाई। अब भाई की पीजे पे जाएंगे। अरे एक काम करना, सुन, इसे यहाँ खड़ी करते हैं, कवर कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। आदमी कैसे, यहाँ चोर है क्या? पक्के? बस ठीक, बस फिर तो ऊपर लेके चलो, ठीक है भाई। 3rd मंजिल पे है भाई का रूम, दिक्कत आ जाएगी। बस पता नहीं कि कई कर लेके जाएंगे। ये ले भाई, एक मंजिल क्रॉस, अब दूसरी मंजिल पे। अच्छा, इस सब पर ही है क्या? ओ भाई बलोंडे हिम्मत मार रहे। लो भाई आज का खाना टिपू भाई की तरफ से है। भाई का टिपू ही नाम है। लो भाई कुछ मीठा हो जाए आज, और भाई इसी के साथ। तो भाई लोग आज के दिन की बात कर लेते हैं, गला भी खराब हो गया। आज पहला डे था 75 hours साइकिलिंग चैलेंज का। वैसे तो मुझे 100 किलोमीटर साइकिलिंग करनी थी, तो फिर मुझे गुड़गांव आना पड़ गया, क्योंकि मेरा एक दोस्त, मेरा एक भाई रहता है यहाँ पे, टिपू भाई, तो ठीक है इसके पास रुकना था, तो मैं गुरुगांव में आ गया। वो यहाँ से वैसे तो 120 या 30 पड़ता है वहाँ से, पर दिल्ली से मैं इधर आ गया तो तकरीबन मैं 155-160 किलोमीटर मैंने आज साइकिलिंग की है। जो मेरा पुराना रिकॉर्ड था वो 150 किलोमीटर का था, वो भी टूट गया आज। तो भाई पहला दिन है भाई, नेक्स्ट दिन पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं। तो इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का टास्क होता है कंप्लीट। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।